अब हम छठी मंजिल पर आ गए हैं। यहाँ पर कैसीनो है। यहाँ पर हम सुबह का नाश्ता करेंगे। इसकी प्राइस लिखी हुई है ये सब। अभी पता चला कि हम यहाँ बुकिंग नहीं करवाएंगे, हम आएँ और आकर अपना नाश्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है तो काफ़ी लोगों की यहाँ पर गुंजाइश है। चलिए हम बार में आते हैं और यहाँ पर हम गाना सुनते हैं। ये शॉपिंग स्ट्रीट है। इसके दोनों साइड पर रूम्स हैं। मामा बेला रेस्टोरेंट, मामा बेला। रात के 10 बजने वाले हैं और अब यहाँ पर ज़्यादातर शॉप्स बंद हो जाएंगी। ये बल्कि बंद ही हो गई है। ये सुशी की सुशी बार है। ये कॉस्मेटिक की शॉप है। यहाँ पर हमने अपना टेबल रिजर्व करवाया, कल हम यहाँ पर ही खाना खाएंगे। इसके दोनों तरफ इसी तरह की सीढ़ियां हैं। सुबह यहाँ का नज़ारा देखने वाला था। सामने ये बिल्कुल, ये जो आपको विंडो नज़र आ रही है, इसके बाहर आपको समंदर नज़र आएगा। तो मैं सुबह भी बार फिर वीडियो बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत नज़ारा है, खूबसूरत फानूस। अब हम वापस चलते हैं। अब मैं लिफ्ट लेकर अपने रूम की तरफ जाऊंगी। मेरा कमरा 11वीं मंजिल पर है।
इस वक्त मैं 7वीं मंजिल पर हूँ। टन टन, मेरा कमरा आ गया। इस वक्त मेरा कमरा पूरा बिखरा पड़ा हुआ है क्योंकि हमें आए हुए यहाँ पर तकरीबन 9 घंटे हो चुके हैं। यहाँ का वॉशरूम भी है, बाथरूम साथ है अटैच। हर तरह की सहूलत के साथ टेलीविजन, फ्रिज और जो चीज़ें आपने इसमें रखनी हैं आप रखिए। दो बेड नीचे हैं, दो बेड ऊपर हैं। एक बेड हमने खोला नहीं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं, एक हमने ये ओपन कर लिया। तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए जी, बिग बॉस की आंख बनी हुई है यहाँ पर भी। मैंने अभी बिग बॉस देखा, बिग बॉस 13 अभी इख्तिताम पजीर हुआ है, जबकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आसिम जीते। आसिम नहीं जीता, खैर क्या कह सकते हैं। मैं अपने बच्चों को ढूंढ रही हूँ, मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। चले, तब तक मैं इस शॉपिंग बुटीक में आती हूँ, देखती हूँ यहाँ पर क्या क्या है इस शॉप में। असल में मसला ये है कि हम यहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं और जब हमें उर्दू बोलनी पड़ती है तो फिर हमारे साथ लफ्ज़ों का आगे पीछे हो जाना एक मामूल बन जाता है। हमें इतनी रवानी से अपनी ज़ुबान नहीं आती, हम भूल चुके होते हैं कभी कभी कुछ अल्फाज। तो वीडियो बनाते हुए मुझसे कभी कभी कुछ गलतियां होती हैं कि मैं बहुत रवानी से अपनी उर्दू के वो अल्फाज नहीं बोल सकती हूँ। ये की चेन है, इनकी प्राइस 50 क्रॉन लगी हुई है। ये आजकल पानी की बोतलें बहुत मशहूर हुई हुई हैं और इनके प्राइस में भी 320 हैं। बच्चियों के लिए छोटे छोटे पर्स हैं, इनके प्राइस यहाँ पर 60 क्रॉन है। ये खिलौने और ये तो बहुत खूबसूरत, देखिए इनकी प्राइस 150 क्रॉन है।
नॉर्वे में कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। ये देखिए कितनी खूबसूरत बॉटल्स हैं, इनकी प्राइस 140 तक है, इसकी भी 140 है। ये 69 का लगा हुआ है ब्रेसलेट, खूबसूरत लग रहा है। मैंने यहीं से अपनी ज्वेलरी खरीदी है, ये देखिए ये यहीं ये लगी हुई है यहाँ पर, ये मैंने यहीं से ली है। और मैंने अपने लिए चेन भी ली थी, वो भी यहाँ पे लगी हुई है ये वाली। मुझे पर्ल के सेट बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सिल्वर में लिए। रिंग भी लिए मैंने यहीं से। प्राइस लिस्ट यहाँ पे लगी हुई होती है और नंबरिंग यहाँ पर हुई होती है। इस पे क्या नंबर लिखा है ये मैं देखती हूँ फिर आपको बताती हूँ। इस पे 7 नंबर लिखा हुआ है और 7 नंबर की जो प्राइस आपको नज़र आ रही है 244, मतलब 45 तक की हो गई। ये ड्रेस लगे हुए लेडीज ड्रेसेस हैं, अभी तक मुझे अपने बच्चे नहीं मिले। ये देखिए यहाँ लाहौर में गधे खाए जाते हैं, यहाँ गधों के होटल बने हुए हैं। के मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, 96 से लेकर 156 तक। आपने नॉर्वे का झंडा कभी देखा? ये देखिए आपको नॉर्वे का झंडा यहाँ पर नजर आएगा। ये कुशन बनाया हुआ है, इसकी प्राइस मैं आपको देख के बताती हूँ, 110 है इसकी प्राइस। ये देखिए ये कितना खूबसूरत है। ये मैग्नेट लगे हुए हैं, 60 करोन इसकी प्राइस है। ये लकड़ी के इन्होंने खिलौने बना के रखे हुए हैं, बंदर भी बैठा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए इन्होंने चेहरे अपने सजाए हुए हैं, चेहरों पर इन्होंने कलर किए हुए हैं यहाँ पर। यह भी सहूलत होती है। अभी कुछ देर पहले हमने स्टेज प्रोग्राम देखा, सबकी एंट्री फ्री थी उसमें और 45 मिनट का वो शो था, काफी अच्छा गया। ये दोनों तरफ सीढ़ियों की सहूलत है। ये डस्टबिन की सहूलत भी है यहाँ पर। और ये आपको कलर लाइन बोर्ड की तरह बोर्ड बनी हुई है ये सारी, और उस पर आपको मेंशन किया हुआ है कि आपने कौन से नंबर पर कौन सा आपको क्या चीज़ मैसर होगी। आपके फ्लैट, आपका जो रूम्स हैं वो
कहाँ हैं और कौन सी शॉप्स कहाँ पर हैं, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सातवीं मंजिल है। अंदर तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, लेकिन जब हम बाहर निकलेंगे तो फिर हमें काफ़ी सर्दी लगेगी, इसलिए हमने अपने जैकेट वगैरह साथ लेकर आए हुए हैं। ये एक बार फिर मैं आपको दिखाती हूँ बिग बॉस की आंख। बिग बॉस का जुनून था सबको, ख़त्म हुआ। इस मरतबा काफ़ी लंबा शो चला बिग बॉस का। अब देखिए मेरी कौन सी लिफ्ट ओपन होती है। चलें जी, बिग बॉस की आंख पर ही हम इख्तिताम करते हैं।